नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडेस पर टिप्स पे। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं जज कैसे बने, इसके लिए क्या क्या करना होगा। आगे बने पहले दोस्तों बहुत बीस डेट की समय लेना चाहते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में न्यायाधीश का पद सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा पद है जिसमें लिए गए गलत निर्णय के आधार पर निर्दोष व्यक्ति को दंड मिल सकता है। न्यायाधीश का पद सर्वाधिक जिम्मेदारी का पद होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देश के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 26 न्यायाधीश होते हैं। ये न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक विद्यमान रह सकते हैं। दोस्तों न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति है जो कानूनों के समक्ष में सुनवाई और प्रशिक्षणों के आधार पर अपना निर्णय देते हैं। एक न्यायाधीश के समक्ष नागरिक विवाद, यातायात के उल्लंघन और व्यापार विवाद के निर्णय हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार के विवादों को सुनकर साक्ष्यों के आधार पर उपयुक्त निर्णय देने का अधिकार एक जज को प्राप्त होता है। जज द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होता है। दोस्तों जज में कैरियर इच्छुक न्यायाधीशों को कानून की डिग्री की आवश्यकता होती है। एक कानून की डिग्री हाई स्कूल के बाद करीब 7 वर्ष की जा सकती है, जिसमें 4 साल का अंडर ग्रेजुएट अध्ययन और 3 साल का लॉ स्कूल सम्मिलित है। दोस्तों न्यायाधीश बनने हेतु अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। न्यायाधीश बनने हेतु अभ्यर्थी की आयु 65 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों न्यायाधीशों को एक न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्ति के पहले प्रशिक्षण के माध्यम से जाना चाहिए, जिसमें आपको न्यायालय के परीक्षणों में भाग लेने, कानूनी प्रकाशनों की समीक्षा करने और पूर्व अभ्यास का मौका मिलेगा। एक बार जब आप सफलतापूर्वक ट्रेनिंग के माध्यम से जाते हैं तो आप एक न्यायाधीश के रूप में सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। दोस्तों न्यायाधीशों को तथ्यों का मूल्यांकन करने और सही निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। जजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अच्छी सोच का आवश्यक है, क्योंकि उन्हें कानून के नियमों को लागू करना आवश्यक है। न्यायाधीशों को सभी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि वे प्रभावी ढंग से जानकारी का मूल्यांकन कर सकें। पढ़ना और लेखन कौशल, पढ़ना कौशल काम की इस पंक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायाधीशों को महत्वपूर्ण तथ्यों से मूल्यांकन और महत्वपूर्ण तथ्यों में डिफरेंस करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इच्छुक न्यायाधीशों को मजबूत लेखन होना चाहिए ताकि वे स्पष्ट और प्रभावी तरीके से अपील और विवादों पर सही सिफारिशों और फैसले कर सकें। दोस्तों LLB की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात अनुभव के आधार पर वकीलों की नियुक्ति राज्य पुलिस राजस्व एक न्यायिक विभाग में की जाती है। विभिन्न स्तर के न्यायालयों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं न्यायिक दंडाधिकारी, एडवोकेट जनरल, सब मजिस्ट्रेट, लोक अभियोजक, नोटरी एवं शपथ पत्र आयुक्त के पद उपलब्ध हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु आपको राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS J की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सरकारी स्तर पर जजों तथा अन्य लोक सेवकों का वेतन आयोग द्वारा निर्धारित होता है। इसी तरह सोलिसिटर, पब्लिक डिफेंडर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जैसे पद प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तरह आप जज बनकर अपना करियर बना सकते हैं। बाकी सब आप जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।